सर्वे छात्रा नमो नमः, स्वागतम संस्कृत क्लास। बेटा कल हमने पक्षियों के नाम और संधि वाले चैप्टर किया था, वो आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे संस्कृत में एक देवी। आपने हिंदी में की है नाम की, इंग्लिश में भी केवल नाम हम करेंगे संस्कृत में एक देवी। ध्यान से देखना, एक को क्या बोलते हैं एक है, दो को बोलते हैं वही दो, और तीन को बोलते हैं त्रह, चार चतुरह है या चतुवारह है, और तीन को त्रह भी बोल सकते हैं और त्रिविधि, पांच को पंच, छह को सप्त षष्ठ षटवी, सात को सप्त और आठ को बोलते हैं अष्ट, दस को दस भी, ग्यारह एकादश, बारह द्वादश, तेरह त्रयोदश। त्रयोदश क्यों हुआ क्योंकि विसर्ग को क्या हो रहा है वो हो गया भाई, विसर्ग संधि में करने में करवा रहे हैं। चतुर्दश ऊपर चला जाएगा, पंद्रह को पांच दस, सोलह को कहते हैं सोलस, सत्रह को सप्तदश, अठारह को अष्टादश, इसको नौ दस भी है तेरह, और इसको एक वन विंशति, एक वन विंशति का मतलब होता है भाई, एक वन विंशति का मतलब होता है कि बीस से एक कम भाई उन्नीस, और बीस को बोलते हैं विंशति। ठीक है भाई, अगर आपने एक से दस तक अच्छे से कवर कर लिया तो आगे सब की सब ऐसे ही चलेंगे। एक है दो है त्रय, तीन को त्रि भी बोल सकते हैं क्योंकि एक से चार तक कुलिंग स्क्रीन में हम पुस्तकलिंग में ही काउंटिंग चलते हैं हमारी, तो चौरा को चतुर भी बोल सकते हैं, उन्हीं के नाम से ही पता चलता है कि पैसे पाँच, छः से सठ, सात से अठारह, ये छः पहले तो सात अष्ट नौ और दस, फिर ऐसे चलते रहेंगे दोबारा, फिर ऐसे एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश और षोडश सप्तदश अष्टादश और नवदश, आगे आ जाता हमारा विंशति, फिर आ जाता तीस को क्या बोलते हैं त्रिंशत, फिर ऐसे ऐसे हो जाएंगे एक त्रिंशत दो त्रिंशत त्रय त्रिंशत चतुर पंच सत्य सत्य अष्ट नौ त्रिंशत, तो फिर आ जाएगा हमारा चालीस को चतुर्विंशत, आगे फिर ऐसे ही चलेंगे भी एक चतुर्विंशत दो चतुर्विंशत त्रय चतुर नौ तक ऐसे ही चलेंगे, फिर पचास को बोलते हैं पंचाश। तो भाई आपको पचास तक काउंटिंग अच्छे से याद करनी है और अच्छे से लिखनी है। Okay.